गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मीडिया की संवेदनशीलता को रेखांकित करता यह अध्याय कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि है रघुवीर सहाय। आज वर्तमान समय में मीडिया किस प्रकार संवेदनशीलता की हद को भी पार कर चुका है, उसे केवल अपने स्वार्थ से मतलब है, अपने पब्लिसिटी से, अपने प्रसिद्धि से मतलब है और किसी से उसे कोई मतलब नहीं है। चाहे व्यक्ति कितना भी दुखी हो, उसके दुख को भी ये लोग इस प्रकार बेचते हैं, इस प्रकार उसका व्यापार करते हैं। इसकी झांकी हम इस पाठ में देखेंगे कि किस प्रकार एक अपाहिज व्यक्ति को भी ये लोग बख्शना नहीं चाहते, उसका उसके भी मजबूरी का किस प्रकार फायदा उठाने से नहीं चूकते, हम लोग इस पाठ के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले हम लोग रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय देख लेते हैं, उसकी बात करते हैं। रघुवीर सहाय, इनका जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं अद्वैत द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1938 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीडियो पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये पत्रकारिता में, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये संबंधित रहे हैं। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से ये संबंधित रहे हैं। इनको जो प्रमुख किया गया उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार का नाम आता है। सन 1990 दिल्ली में इनका निधन हो गया। इनसे संबंधित इनके जीवन की जो प्रमुख पंक्तियां हैं वह आपके सामने है। यहाँ पर कुछ होगा कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, नर टूटे चले तो सत्ता का मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। इसका मतलब यह है कि हमें अंतिम समय तक अपना प्रयास, अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है हमारे कोशिश करने पर भी कोई कार्य पूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त न हो, लेकिन हमें अपने ऊपर एक गर्व तो होगा कि हमने उस कार्य के लिए कोशिश तो की, उसकी हमने शुरुआत तो की। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो काफी उपहास होता है, लोग काफी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमारी बात को लोग समझने लगते हैं तो फिर कारवां होता चला जाता है। इसलिए प्रयास कोशिश अंतिम समय तक हमें नहीं छोड़नी चाहिए, ये इनका यहाँ पर कहना है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोर भाषा में उन्होंने कविता लिखी। सब उनके कविता के महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, कागजी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छंद की कविता में उतर कर खोजी पत्रकारिता की सनसनी खेज गपे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। अर्थात वास्तव में इन रचनाओं को पढ़ने वाला व्यक्ति, कविताओं को पढ़ने वाला व्यक्ति आत्मा और अन्वेषण करने पर विवश हो जाता है। केवल कोरा इनका दिखावा नहीं होता, उसमें इनके आंतरिक भाव भी छुपे हुए होते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानी पर और एक नाटक में भाव दिया। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर थे, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े थे। अर्थात उन्होंने वर्तमान समस्याओं पर ही अपने लेखनी चलाई है। बावजूद इसके बाहर के गुजार और बैठे मुझे कुंडली मुस्कान से उनकी कविता पटी पड़ी है। अर्थात व्यंग्यात्मक शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है, पर ज्यादातर बात की स्वर शैली में ही उन्होंने लिखा है और बखूबी लिखा है। बहुत ज्यादा घुमावदार भाषा का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, साधारण सहज शब्दों में अपनी बात को उन्होंने कविता के माध्यम से कहा है।
आगे हम बढ़ते हैं। बतौर पत्रकार और कवि रचनाओं में निहित विडंबना और साधकों को उन्होंने देखा है। पत्रकार की अपनी मजबूरियां होती है, उसके अपने कुछ बंधन होते हैं, उन बंधनों को भी वो समझते हैं अच्छे से। रघुवीर साहित्य की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। इनकी कविताओं की दूसरी सबसे बड़ी जो विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। सामान्य लोग बड़े बड़े लोगों की बातें करने उनसे बड़े बड़े लोगों के को ही महत्व ज्यादा देते हैं, लेकिन यहाँ पर रघुवीर साहित्य ने छोटे तबके के लोगों को भी अपने कविताओं में कुछ स्थान प्रदान किया है। इन्होंने हर वर्ग को अपने लेखन का विषय बनाया है। आगे बात करते हैं, वे बहुत बड़े कहे जाने वाले विषय समस्याओं पर नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभव को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। हाशिए पर जिनको बिल्कुल अंतिम छोर पर जिन लोगों को मानते हैं, जिनको अपना के बराबर मानकर उनको कोई समाज में उनका कोई स्थान स्वीकार नहीं करते, ऐसे लोगों को इन्होंने अपनी कविता में अपने लेखनी में स्थान दिया है। आगे बढ़ते हैं, रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अब हम बात करते हैं पाठ परिचय की, जो कविता का परिचय है वो इसमें आएगा। अत्यंत साधारण और अनायास होने वाली शैली में समाज की दारुण यानी भयंकर विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला सहायक कविताओं में मिलती है उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता केंद्र में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। कौन से संग्रह से ली गई है? जो लोग भूल गए हैं। इसके बाद बात करते हैं शारीरिक चुनौती को जैसे व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी भी पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए, लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। जो वास्तव में पत्रकारिता के क्षेत्र में है वह मीडिया के क्षेत्र में है, वह लोग किसी भी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यदि किसी अपाहिज किसी दुखी व्यक्ति की पीड़ा को हम किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं तो हमारे अंदर संवेदना होना चाहिए, क्योंकि हम उस पीड़ा को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं जिससे उस पीड़ित व्यक्ति के प्रति सभी के मन में सहृदयता का भाव जागृत हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कार्यक्रम के दौरान किस प्रकार वो पत्रकार व जर्नलिस्ट जैसे संवेदनहीन होकर किस तरह के प्रश्नों उससे पूछने लग जाता है और उसकी पीड़ा को और अधिक बढ़ाकर उसका व्यापार करने की कोशिश करता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, साहित्य की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को बाहर जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी वेदना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है। केवल हम इसको इसी परिप्रेक्ष्य में नहीं देखें कि एक टेलीविजन का विकृत स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी व्यक्ति किसी की संवेदना के साथ खिलवाड़ करता है उस हर व्यक्ति के साथ रघुवीर साहित्य जी इसी प्रकार व्यंजना शैली में बात करना चाहते हैं, अर्थात उनके ऊपर ही रघुवीर साहित्य जी ने कटाक्ष किया है। इस कविता को शारीरिक चुनौती जैसे लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। शारीरिक रूप से पहले ही व्यक्ति चुनौतियों का सामना कर रहा है, कैसे वो कष्टों को झेल रहा है और उसके बाद लोगों का संवेदनहीन नजरिया उसे और ज्यादा किस प्रकार दुखी कर देता है। इसके लिए कवि ने दूर समय
दलीलता को रिकॉर्ड करने का तरीका अपनाया है। वह दिखाता है कि किस तरह कोरोना जगाने की मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। इस प्रकार इसमें संवेदनशीलता होना चाहिए, जबकि धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसका विकृत स्वरूप संवेदनहीनता की ओर बढ़ जाता है। यह हमने कवि परिचय और पाठ परिचय यहाँ पर पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। अब उसके बाद जो हमारी कविता है केंद्र में बंद पाए, इसके लिए हम दूसरे वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे।